भेज रहे हैं। अभी गाड़ी पर नहीं जगह है तो इसको बाद में घुमा देंगे, तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। डेली ब्लॉग का आज पहला दिन है तो मैं सो के उठ चुका हूँ। 30 दिन का चैलेंज है पहले, तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं। भाई मैं दातुन लेके बाहर निकल गया हूँ मुँह धोने। चलिए ठीक है, अभी हम लोग मुँह धोते धोते बैठे हुए थे तो इधर आया था कन्हैया। इधर कन्हैया है और इधर नीतीश कुमार है और उधर शक्ति कुमार स्कूल जा रहा था। तो गाइस अभी मैं तैयार होकर चल दिया हूँ अपनी दीदी को लेने, तो चलते हैं। अब दीदी का घर दिखाएंगे आप लोगों को, वहाँ से भी दीदी को लेके आएंगे। इधर नीतीश भी है बगल में, वो नहीं ले रहे हैं अभी, गाड़ी पर नहीं जगह है तो इसको बाद में घुमा देंगे, तो चलिए चलते हैं। अभी मैं रेड़मा चौपा थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक बड़े से होटल से कुछ मिठाइयाँ खरीदी। आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी मिठाइयाँ हैं यहाँ पर, लेस कुरकुरे वगैरह सारा चीज़ मिलता है यहाँ पर। फिर आपको दिखा रहे इधर, देख अब देख सकते हैं रेड़मा चौक पूरा जाम था हुआ है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी का आगमन था। तो हेमंत सोरेन जी जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनके आगमन के कारण इतना भीड़ था, जो कि अभी वो जा रहे थे तो जाम लगा हुआ था, तो हम भी यहाँ से लेकर के निकले थे और वहाँ पे जाम में जाके फंस गए थे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं दीदी के घर आ चुका हूँ, ये देखिए मेरे दीदी का घर है। तभी मैं चलता हूँ अंदर। दीदी के घर बैठने के बाद कुछ देर हमने यहाँ पे देखा एक बच्चे को स्केटिंग करते हुए, तो हमने इस बच्चे के साथ स्केटिंग का आनंद लिया। ये आप देख सकते हैं कैसे ये चल रहा था, अभी ये नया नया खरीदा ही था तो इसको नहीं आ रहा था। ठीक बच्चों ने स्केटिंग के बाद यहाँ पे मेरी बाइक के साथ कुछ फोटोज खिंचाए, आप देख सकते हैं। अभी मैं दीदी को लेके आ गया हूँ और बाहर में बैठा हुआ हूँ नीतीश कुमार के साथ। दिन भर तो इसी के साथ गुजरता है, कुछ ब्लॉग में नया दिखाएंगे आप लोगों को कुछ दिन के बाद से। अभी करते हैं यही।